भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय शिल्पी राज और प्रियंका सिंह जैसे फीमेल सिंगर्स की तूती बोलती है। चाहे वो खेसारी लाल का गाना हो या पवन सिंह का, भोजपुरी के हर बड़े हिट गाने में इन दोनों फीमेल स्टार्स का नाम आता ही आता है। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बाद भी प्रियंका सिंह को एक लाइव शो के दौरान अपमान सहना पड़ा है। शो के दौरान न केवल उन्हें परफॉर्म करने से रोका गया बल्कि उनसे माइक भी छीन लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल गोपालगंज में 2 दिन के थावे महोत्सव का आयोजन हुआ था। ये वही जिला है जहां से मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी भी आते हैं। इस कार्यक्रम से पहले भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह ने परफॉर्मेंस दी थी। जब वो परफॉर्म कर रही थी तभी बीच में आकर शो की एंकर ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिस पर प्रियंका ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट वो कुछ बोलना चाहती हैं। लेकिन एंकर ने उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए डीएम को स्टेज पे बुला लिया। इस दौरान एक शख्स स्टेज पर आया और प्रियंका के हाथ से माइक छीन लिया। प्रियंका ने भी इसके बाद उस शख्स के हाथ से माइक लिया और लाइव शो में ही रोने लगी। उन्होंने कहा, ये सही नहीं है, मेरे साथ सही नहीं हुआ है, किसी भी कलाकार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कोई कलाकार गा रहा हो और बार बार बीच में इस तरह का व्यवहार हो, मैं कोई गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, गाने के लिए बहुत सारे मंच हैं। जिला प्रशासन, आपने बहुत गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा, इसका न्याय थावे वाली माँ करेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका ने यह भी कहा कि पर्यटन विभाग के बुलावे पर ही वो कार्यक्रम में आई थी, फिर भी उन्हें लेने कोई गाड़ी नहीं पहुंची। साथ ही उनसे कहा गया था कि उनके लिए सर्किट हाउस में कमरा भी बुक है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इस घटना के बाद प्रियंका के सपोर्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह उतर आई है और उन्होंने ट्वीट कर शो की एंकर को जमकर लताड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक कलाकार के साथ इतना गिरा हुआ व्यवहार बहुत निंदनीय है। बहुत भाग्य से ईश्वर किसी को कलाकार के रूप में जन्म देते हैं। अभद्रता की पराकाष्ठा, कहने को सभ्य समाज की महफिल पर अभद्रता की पराकाष्ठा, देखिए कैसे अपने प्रभाव का खुद तमाशा दिखा रहे ये लोग। भूल गए कि मंच की मर्यादा और एक लड़की, उससे पहले कलाकार की इज्जत सरेआम कर रहे हैं। जब भी किसी कलाकार की बात आएगी तो मैं ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों का खुल के विरोध करूंगी। स्टेज पे माइक छीन रही औरत भी शायद भूल गई है कि एक औरत होके औरत का अपमान कर रही है। धिक्कार है ऐसे आयोजकों पर। इस पूरे मामले पर बाद में जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि इस मामले की जांच की जाएगी और आगे से ऐसा कुछ ना हो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर।